आमचे यूट्यूब न्यूज चैनल पालिका प्रशासन सब्सक्राइब करावे ही विनंती। देशाचे कणखर नेतृत्व आणि सर्वांचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून साजरा करण्यात येणारा सेवा सप्ताह अंतर्गत नवीनबे भाजपच्या युवती मोर्चा जिल्हाध्यक्षा सुहासिनी नायडू यांच्या माध्यमातून गरजू परिवारांना अन्नधान्य तसेच भाजीपाल्याचे वाटप केले। सुहासिनी नायडू यांच्या स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी वॉर्ड क्रमांक 84 मधील स्थानिक 20 रहिवाशांचा दुचाकी अपघाती विमा त्यांनी काढून दिला। हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन था और आज मेरा जन्मदिन है और हम हर साल इस सेवा सप्ताह हम लोग आयोजन करते हैं। पिछले साल भी ये कार्यक्रम हुआ था, ये साल भी हम लोग कर रहे हैं। इस बार कोविड का जो ये काल आया है, इसके लिए ज़्यादा धूमधाम को जोर जोर से हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, एक सेवा सप्ताह बोलकर लोगों को सेवा देने के प्रयत्न हम कर रहे हैं। कल महानगर पालिका के जितने सफाई कामगार थे, अतिक्रमण वाले थे, गटर साफ करने वाले जो कामगार थे और जो आरोग्य के थे सैनिटाइज़र वाले, वो सबको बुला के उनको सम्मान किया गया, उनको धान्य वाटप किया गया और उनको पीपी टिकट वाटप किया गया। और आज जो हमारे वार्ड के हैं, जो लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको बुलाकर उनको राइस, उनको तेल और भाजी, ये वाटप हमारे ओर से किया गया। और ज़्यादा गर्दी नहीं करना, इसके लिए हम लोगों ने कुछ हमारे जो पदाधिकारी थे, हम ही यहीं पर जमा हुए 3-4 लोग, हम लोगों ने मिलके ही ये कार्यक्रम किया है। सुहासिनी नायडू जी की तारीफ में मैं इतना कहूँगी कि उन्होंने अपने जन्मदिन के सुअवसर पर जो छोटा सा आयोजन किया है और हमने जो ये मोदी जी के जन्मदिन के संदर्भ में एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया है सेवा सप्ताह के रूप में, इसमें जो छोटे छोटे कार्य हमने किए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमें जनता के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करना चाहिए। सुहासिनी जी की जो सेवा भावना है उसे देखकर, उसे प्रेरित होकर हम सभी उनके साथ जुड़ जाते हैं और हर छोटे काम में उनके सहयोगी हो जाते हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उनके जन्मदिन के सुअवसर पर वे सदा अपने सेवा पथ पर अग्रसर होती रहें और उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त होती रहे। सुहासिनी का जन्मदिन इसलिए खास है, जनता सेवा के लिए वो जन्म लिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनका आयुष, आरोग्य और जनता की काम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, यही हम दुआ करते हैं। सुहासिनी का बर्थडे है तो उसके उपलक्ष्य में मैं उतना कहना चाहूँगी कि जब भी हम मोदी जी को प्रवचन करते हुए सुनते थे, मोदी जी का भाषण जब सुनते थे, तो हमारे अंदर इतनी देशभक्ति की भावना जागृत होती थी कि हमको ऐसा लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो कौन सा सोर्स हमको मिल सकता है, तो ऐसा हम सोचते थे, तो हमको सुहासिनी जी मिल गई और ऐसा लगा कि शी इज़ द परफेक्ट गर्ल। इनफैक्ट वो बहुत छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रही है बीजेपी से जुड़ के कि हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम तो इतने बड़े हैं उससे, लेकिन हमसे जो भी सीखने उससे मिल रहा है वो बहुत अमूल्य है और वो हमेशा सबकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। सोबत सुदीप कोलब यांचा रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, नेरूळ, नवी मुंबई।